हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज मैं हूँ घर पे, और ये देखो भाई, लाइट जो हुआ हमारे यहाँ किन्नौर में, और स्पेशली लावरम कारनम, दो गांव में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है फिलहाल, और लोअर किन्नौर में आई थिंक कम बारिश हो रही है। कल भी बारिश थी, आज भी बारिश है भाई, सुबह से शाम तक लगातार बारिश हो रही है। किसने खाया? ये ऊपर से ही खाया हुआ था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, कैसे आप सब? सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने चैनल गब्बू माय लाइफस्टाइल। तो दोस्तों, दो दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी भाई, घर में घर पहुँच गया था। तो भाई, जो चंडीगढ़ से हम फिर से भाइयों के साथ मैं घर पहुँच गया था, दो दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और वैसे ही ज़्यादा टाइम नहीं मिला नहीं कि ब्लॉगिंग का। आज मैं फिर खेत आया हूँ, आज धूप निकला है। तो भाई, आज देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, ये मिस्टर जेंगो रोशन भाई को देख, तो मिस्टर जेंगो और मिस्टर रोशन भाई लगे हैं भाई। आज फिर से हम साथ साथ आए थे, तो अभी हम नाशपाती तोड़ रहे हैं। फिलहाल आधा पोर्शन तो हमने नाशपाती तोड़ दिया था, कुछ एक बार नाशपाती बचे हैं भाई। दिखाओ तो भाई नाशपाती, दिखाओ कैसा टेस्टी, डिलीशियस। नाक के ऊपर भी लगाया भाई, डिलीशियस टेस्ट। देखिए भाई, पक्षियों ने कैसा खाया, दिखाना जरा भाई। बहुत सारे नाशपाती खराब हुए पड़े हैं, थोड़ी इसकी लापरवाही है जेंगो की। ये 10 दिन पहले उतारना चाहिए था, अभी उतार रहे हैं। पूरा फूल ले गया था ना, फूल इसमें तो फूल था ना, बाकी सड़ गया, बाकी ले गया। भाई क्या डिलीशियस है, बहुत मीठा नाशपाती है भाई। तोड़िया, ये देखिए जेंगो लगा है भाई। तो भाई, ये इस वाले पेड़ में हमने नाशपाती निकाल दिया था सेकंड। अब ये वाला पेड़ भी हमारा नाशपाती का, इसमें पहले से ही काफ़ी नाशपाती हमने निकाल रखे हैं, कुछ एक नाशपाती बचे हैं भाई, वही जेंगो निकाल रहा है। ये जेंगो का खारिश वाला बीमारी लग गया भाई, जो एलर्जी का जो है ना, इसको खारिश होने का भाई। और खेत में देखिए, हाँ जेंगो क्या है बताओ। पहले टेस्ट कर लेते हैं भाई। हाँ, नाशपाती मैंने टेस्ट कर लिया, सेब टेस्ट कर लेते हैं कैसा है। दोस्तों, वीडियो में दिख रहा होगा आपको कितना जूसी है ये, उफ बहुत जूसी सेब है ये। रेडनेस आ गया ना अंदर से भी, ये कलर देखो अंदर तक जा रहा है भाई।
और देखो भाई यहाँ, हाँ पहाड़ों में बर्फ पड़ चुकी है भाई हाइट पे। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो सब? तो दोस्तों आज है, आज क्या है, 15, हाँ आज है 15 सितंबर। फिलहाल मैं हूँ अपने फार्म में। तो दोस्तों आज मैं निकल रहा हूँ चंडीगढ़ के लिए। अभी टाइम बहुत हो चुका है भाई, 12 बज चुके हैं, 12:15 कुछ हुआ है टाइम। मैं आज जाकड़ी तक, आज मैं जाकड़ी तक जा रहा हूँ। तो मैं अपने फार्म में पहुँचा हूँ, घर से निकल गया था, घर में थोड़ा बहुत काम था भाई। तो घर में काम करने के बावजूद मैं अपने फार्म में पहुँचा हूँ। फिलहाल मुझे मैं यहाँ पे यार कुछ अपने नाशपाती और सेब, 2-4 सेब मैं कहा ले जाते हैं अपने साथ। तो भाई पैकिंग चल रही फिलहाल, तो पैकिंग में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो गाइस मैं पहुंचा हूँ स्पीलो, खेत से निकल गया था। शुक्र है मौसम खुल रहा है भाई, धूप निकल गया भाई, नहीं तो बारिश होने लगी। अब ये देखो स्पीडो का नज़ारा, आज संडे तो बाज़ार बंद है भाई। चलिए फिर लेट हो गए, फिर मिलते हैं भाई। देखिए आज देखिए जाते तक मिलेंगे, फिर कल जाते से चंडीगढ़ से। आजकल ट्रैवल ही ट्रैवल हो रहा है भाई, ये बस। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं फिलहाल, मैं टापरी पहुंचने वाला हूं। अब टापरी NH के पास ये टापरी, और यहां पे कुछ चीज़ें दोस्तों, टापरी पहुंचने वाला हूं तो थोड़ा सा यहां पर एक आ दिया। फिलहाल यहां का नज़ारा दिखा देता हूं। ये दोस्तों आगे शायद 2 किलोमीटर पे टापरी है, और इधर देखो और ये है उर्नी गांव, ये गांव उर्नी है, उर्नी। और इसके साथ ही उर्नी से इधर साइड गांव होगा चगांव, उर्नी के बाद है इसी लाइन पे चगांव आगे मोड़ पे। और देखिए दोस्तों ये है किलवा, किलवा गांव को देखो भाई, ये डैम पीछे है, तो इस वजह से सतलुज का ये वाला पोर्शन अभी पूरा खाली है, ड्राई। और ये देखो भाई हल्की हल्की धूप भी है, और बारिश भी हो रही है भाई, हल्की हल्की बूंदा बूंदी हो रही है। ये देखो क्या मौसम है भाई, एक तरफ अंधेरा हो पड़ा है, एक तरफ लाइट पड़ रही है। फिलहाल इस किन्नौर की खूबसूरती को देखो भाई, तो दोस्तों अब मैं निकल रहा हूँ, आप निकलते भाई, आगे काफ़ी हो गया हुआ है। और आगे वही निगुल सरिम वाला ब्लॉक पॉइंट, वो पैच बहुत गंदा वाला, आज भी फिर बड़ा टास्क होगा भाई। आज एक रोड खुला होगा आज, तो देखते हैं अब वो ब्लॉक पॉइंट पे कैसा रहेगा। निगुल सरिम भी थोड़ा बहुत वीडियो बनाते भाई, ब्लॉग हुआ तो बस निकलते जाएंगे। बने रहे चैनल।
तो दोस्तों मैं अभी यहाँ निगुलसरी पॉइंट में पहुँचा हूँ। भाई साहब हैं ये खड़े, और साहब ये है लिप्पा से। तो कब जैसे पहुँचे थे आप यहाँ पे? काफी टाइम पीछे फंसे होंगे। तो आप जा रहे हैं अभी? कुल्लू में। तो दोस्तों यार मेरे वीडियोस को बीच बीच में ये कमेंट कर लेते हैं, तो आज मिले हम फेस टू फेस पहली बार, बहुत अच्छा लग रहा है फिलहाल। तो ये सर भी जा रहे हैं अभी, असा भी जा रहे हैं नीचे शिमला, कल जाएंगे कुल्लू। फिलहाल यहाँ का स्टेटस है वो। तो आप कब आए, कब थे? मैं तो आया था 9 तारीख को। अच्छा 9 तारीख को आए हैं, ठीक है ठीक है। उस दिन भी कैसा था रोड यहाँ पे? उस दिन भी ऐसे फंसे रहे हा? उस दिन तो 3 घंटा फंसा रहा। अच्छा अच्छा, नॉर्मल है, 3 घंटा तो सबको फंसना पड़ रहा है। जबकि उस दिन तो पेपर वाले गाड़ी में था ना मैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, तब जाके छोटी गाड़ी थी तब छोड़ा। हाँ हाँ हाँ, बड़ी ट्रक का तो लाइन लगा था उस दिन तो। अच्छा अच्छा, आपको शुभनामा लग गया था? मेरा हृदय ने भी है। बिल्कुल, उसमें भी आ रहा था। काफी बार हम लोग कन्वर्सेशन काफी बार हुई है। पोस्टिंग मेरा कुल्लू में ना, ये मेरा मंडी है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इन्फोर्समेंट में अभी हमारे वो भी हैं, कौन है इन्फोर्समेंट? ईपीएफओ के जो इन्फोर्समेंट वाले, वो अच्छा, उसके वो अलग है, जो आईबी वगैरह में होते हैं ना। हाँ अच्छा, वो ईपीएफओ का अलग होगा। ठीक है बिल्कुल ठीक है ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है सर से मिल के, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। यार फिर से फंस गया भाई, होप जल्दी खुल जाए रोड और निकल जाए यहाँ से, क्योंकि यार बारिश होने की संभावना है। मौसम कैसा बना है? अगर बारिश हुई तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई, हमें रोक भी सकते हैं यहाँ पे और रोड बंद भी करवा सकते हैं ये पुलिस वाले भाई। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे ना VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है ये नंबर पे, ये भाई नोट किया जाए, फिलहाल काम आने वाला है, क्योंकि पब्लिक को ना बहुत ये मज़े ले रहे हैं और दूसरों को छोड़ रहे हैं। क्यों सर? क्योंकि एकदम जस्ट पीछे से आगे लगा दिया ना। हाँ काफ़ी पुलिस वाले हो, चाहे जो कोई भी हो, कोई भी हो, अभी तो लाइन में लगे हुए हैं। अरे सुनो, पता क्या हुआ साहब, जब मैं आ रहा था, मैं बाइक वाला हूँ, मैं साइड से आ रहा था, एक बंदा क्या कर रहा पता है, इस साइड को आ रहा था तो मैंने ब्रेक मार दिया। बंदा ये जो SHO है मेरे को बोलता कहाँ जा रहा है, मेरे को गलती किसकी है भाई, बंदे की मेरी है, मैं तो 2-व्हीलर वाला हूँ, मैं तो इस साइड को ही आऊँगा ना, तो पीछे थोड़ी ना रुकूँगा मैं यार, मतलब वो है यार। तो यहाँ पे देखो ना सर क्या है, ये है ना VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, एक बहुत गलत है भाई। भाई ये ना 200 गाड़ियाँ पीछे खड़ी है, उन सबको पीछे छोड़ के बंदे को स्पेशल यहाँ पे लाया गया हुआ है। हम क्या बेवकूफ़ खड़े हैं साले? तो भाई मैं पहुँच गया हूँ फिलहाल ज्यूरी पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे, और यहाँ है हीरा मोटर। भाई एक्चुअली क्या हो गया, निगुलसरी में भाई बहुत ज़्यादा खड्डे खुड्डे, भाई दल दल हुआ पड़ा था, और मेरा वन साइड का जो इंडिकेटर लाइट है ये है हैंड गार्ड, ये वाला गार्ड दूसरी साइड से ये थोड़ा सा यार निकल गया है। कहाँ गया ये पोर्शन? काफ़ी झटका लगा, बहुत ज़ोर से झटका लगा, इस वजह से यार था। देखिए भाई तुम्हें यार यहाँ पे शायद लगा लेगा बंदा। भाई यहाँ ये पेज निकल गया, तो इसको पेज को लगाते फिर यहाँ से भाई आई थिंक 8-10 किलोमीटर है जाकड़ी, और भाई वहाँ देख तो रहा है। तो दोस्तों जाकड़ी पहुँच चुका हूँ, फिलहाल शाम का वक्त, चीकू को मैं, ये ग्राउंड बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे यार जाकड़ी का, तो यहाँ खेलने आए हम। आज वेरी गुड, ये देखो चिकू क्या बोल रहा, आप बोलते जाओ, क्या मस्त बोल रहे हो। ये देखो थोड़ा जोर से, हाँ यहाँ से दिखा रहा हूँ, एक मिनट दिखाने दो ना, पहाड़ तो दिखाने दो ना। अच्छा और कुछ? और ये पेड़ भी है, और इधर एक घर भी है। तो अपनी साइकिल के बारे में कुछ बताओ, कब ली, किसने ली? ये ली पता किसने? ये ली बड़े पे। अच्छा अच्छा, और क्या क्या फंक्शन है बताओ इस साइकिल के बारे में? इसमें पता है एक टायर भी है, ये भी है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हाँ इसको हाँ हाँ लाल मार,
ये भी है बैठने का, ये साइकिल भी है ना, इसका टायर थोड़ा गंदा हो गया, ठीक है। हाँ हाँ बोलो पापा साफ करेगा इसको, ठीक है। और इसके बारे में इसको क्या बोलते हैं जिगू? इसको इसको स्टैंड, और कुछ? और वाओ सबसे पहली बात है ये कैप किस, क्या मस्त दिख रहा है यार, वाओ जिगू क्या बात है, हैंडसम लग रहे हो आप। ये क्या चीज़ है आपका? ये इधर से बॉटल लगता है, नीचे से थोड़ी ना ऊपर से रखेंगे। ट्राई करें साइकिल चलाएं और एक बार, चलो ठीक है चलो। क्या नाम है आपका? हर्षिता ने की, कौन सी क्लास में आप? फोर्थ क्लास में। इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं साइकिल में अभी? ठीक है ठीक है, ब्रेक बुक सही लग रहा है, ब्रेक बुक सही। अब ये बताएगा थोड़ा सा, आप कब चलाओगे भाई? देखते रहोगे आप? लॉलीपॉप खाते रहोगे आप? लॉलीपॉप खाते रहोगे। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग? ज़रूर आप सभी को पसंद आए। तो नए ब्लॉग में फिर मिलेंगे, चलते चलते बाय बाय, टेक केयर।